मुरादाबाद में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने गर्मी से राहत तो दे दी है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश एक गरीब पर आफत भी बनकर टूटी। मामला छजलैट थाना क्षेत्र के गांव बेरमपुर का है। यहां रहने वाले ताहिर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। रहने का ठिकाना भी नहीं है, जो था वो तेज बारिश के चलते भरभराकर गिर गया। आपको बता दें कि इसमें सारा सामान दब गया। बमुश्किल परिवार के सदस्यों ने अपनी जान बचाई। अब ताहिर अपने छोटे छोटे बच्चों और पत्नी के साथ त्रिपाल डालकर रहने को मजबूर है। परिवार के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि 2017 से उनका आवास लिस्ट में है, लेकिन अभी तक आवास का पैसा उनके पास नहीं आया। उन्होंने बताया कि जब वो जानकारी के लिए ब्लॉक जाते हैं तो अधिकारी उनको टरका देते हैं। सरकार से कॉलोनी दी हुई है, सरकार नेट पर चढ़ी 2017 की। ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक वाले टालन टूली कर देते हैं। कभी सेक्रेटरी बात नहीं करता, कभी कोई बात नहीं करता। जाते हैं बूझ बाछ के जाते हैं, ना आएगी आएगी आएगी, ऐसी टालन टूली कर रहे हैं। कई बार चले गए ब्लॉक में भी। अच्छा, आज ये मकान गिरा था, कितना नुकसान लगा? इसमें नुकसान हो गया बदरा, काफ़ी नुकसान हो गया। बच्चों के लत्ते कपड़े भी थे और सामान भी था, बर्तन वर्तन सभी थे, सभी गिर गए, सब खराब हो गए। इसके गिरने के बाद सारा सामान ख़त्म हो गया हमारा। तो ये बच्चे वगैरह कहाँ सो रहे थे आपके जिस टाइम? बच्चे वगैरह तो इसमें सो रहे थे, मंडुए में हमारी खाट पड़ी थी। जैसे ही हमने देखा वैसे फटाक से खाट निकाली अपनी बाहर को, एक सेकंड नहीं लगा इसको गिनने में, एक दिन गिर गया हमारा मकान। अब क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? प्रशासन से ये कहना चाहेंगे, हमारा आवास है जो थोड़ी जल्दी मिल जाए तो ये है कि बच्चों का सहारा हो जाएगा, घर पर छत हो जाएगी बच्चों के सर पर। इसमें लाखों रुपये का नुकसान हो गया, नाच पानी सब कुछ था, सब हो गया। आपके हाँ। बच्चे भी इधर सो रहे थे जी, हमने जल्दी जल्दी निकाले, वो हमने ध्यान दिया, इतनी थोड़ी देर के बाद गिर गया। 2017 से आपकी कॉलोनी भी अप्रूव बताई जा रही है, पैसा क्यों नहीं मिला अभी आपका? जो ब्लॉक जाते हैं वो कहते हैं इस महीने आएगी, अगले महीने आएगी। सेक्रेटरी को घर जाते हैं, सेक्रेटरी भी नहीं मिलता, न बात करता है, तो घर पर आ जाते हैं हम। फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गरीबों की लगातार मदद करते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हमें यह है जल्दी से जल्दी आवास मिल जाना चाहिए, हमारे बालकों के रहने के लिए ठिकाना हो जाना चाहिए।